1990, जहां 90s में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $300 थी, वहीं पर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $400 से भी ज्यादा थी। लोगों के पास पैसा था और इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। जहां पर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीजें अच्छी होती जा रही थी। और अगर ऐसा है तो फिर पिछले 30 सालों में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को 13 बार क्यों बेल आउट करवाया? 20 करोड़ की आबादी वाला देश यानी कि पाकिस्तान, जिसे आफ्टर 1947 US पर ईयर $1 बिलियन से भी ज्यादा का एड देता आ रहा है, तो आखिर इनकी हालत इतनी खराब क्यों और कैसे हो गई? क्या इसके लिए USA रिस्पॉन्सिबल है? पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझसे और आप लोगों से छुपाया जा रहा है। आज पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका पड़ा है और आज हर एक कंट्री पाकिस्तान को टेरर कंट्री बोल रही है। पर क्यों? ये सब आखिर हुआ कैसे? कौन से लोग है जो इसमें इन्वॉल्व है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन सब के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? 14 अगस्त 1947, यूनाइटेड इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एज यहाँ पर डिविजन रिलीजन के बेसिस पे करा गया था, तो मेजोरिटी मुस्लिम वाले एरिया को एक नई कंट्री घोषित करा जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने 1940 से ही मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अलग कंट्री का डिमांड कर दिया था। एंड फाइनली 8 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन पेपर पर सिग्नेचर करती है और ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मर्ज करके जन्म होता है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी तो वेस्ट पार्ट के एरिया का नाम पड़ा वेस्ट पाकिस्तान। और मोहम्मद अली जीना और मुस्लिम लीग के सारे लोगों को लगता था कि पाकिस्तान को मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर एकजुट बनाकर रखेंगे। लेकिन 1900 किलोमीटर दूर जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो वेस्ट पाकिस्तान से कल्चर, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अलग था। पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान को 5 प्रोविंसेस मिले थे। नंबर 1 most part of Punjab province, number 2 Sindh, number 3 Baloch, number 4 northwest frontier province, 5th and most important east Bengal। Punjab and Sindh province ki land bahut hi zyada fertile thi, Pakistan ki sari river yahi se behti hai and Punjab population ka ye manna tha ki ye Pakistan ka sabse bada province hai। Lekin सिंध, बलोच और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला प्रोविंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। साथ ही साथ ईस्ट बंगाल, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जूट की प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा होती थी, बट जूट को प्रोसेस करने वाली सारी की सारी मिल वेस्ट बंगाल के अंदर थी। यू'ल बी सरप्राइज्ड कि पूरे पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल में रहती थी। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट द एंटायर रीजन वॉज एग्रीकल्चर सेंट्रिक और यहाँ पर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी। 1956 पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करा जाता है और पब्लिक एक्सेप्टेंस से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा होती है और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स 1958 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल मोहम्मद आयूब खान ने एक मिलिट्री कोप किया, जिसके बाद 1969 तक लगभग 11 सालों तक पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथ में रहा। आयूब खान ने मेनली पंजाबीज को ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री के अंदर प्रेफरेंस दिया। वाई? बिकॉज वहाँ पर एजुकेशन ज्यादा थी और इसके साथ साथ उन्होंने बिजनेसमैन के साथ भी काम करा, जिससे उनको एक्सट्रीम कैपिटल सपोर्ट मिल पाया। लेकिन 1969 आते आते दूसरे आर्मी जनरल मोहम्मद अगा खान ने मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करते करते 1971 तक पाकिस्तान पर रूल किया। 1970 में फॉर द फर्स्ट टाइम 300 सीट के लिए जनरल इलेक्शन होता है और ईस्ट बंगाल के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को 162 में से 160 में जीत मिलती है। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं, बट आफ्टर हिज विक्ट्री जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रेसिडेंट खान की एक मुलाकात होती है और एक प्लान बनता है, जिसके तहत मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान की एक सीक्रेट जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। 1947 में ईस्ट बंगाल को भी पाकिस्तान का पार्ट बनाया जाता है, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक्सट्रीम कल्चरल डिफरेंसेस। एक तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से 1900 किलोमीटर दूर था और ऊपर से बंगालीज का नेचर, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तानी पीपल कभी बंगाली पीपल को अपने जैसा ट्रीट नहीं कर पाते थे,
जिसके चलते पाकिस्तानी लीडर ये कभी चाहते ही नहीं थे कि मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जैसे ही मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करा जाता है, ईस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बंगालीज के ऊपर एट्रोसाइड करना शुरू करती है, लोगों को और बच्चों को गोलियां मार देती है और औरतों का रेप करती है। पाकिस्तानी की इस दहशत से बचने के लिए बंगालीज मुक्ति बहिनी नाम का एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे इंडियन आर्मी ने ही ट्रेन करा था। फाइनली इन दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन द वॉर और एक नया देश बनता है कॉल्ड बांग्लादेश। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसके रीजन थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी इंटरवेंशन एंड ग्रीड ऑफ पावर। पाकिस्तान का जन्म एक्चुअली में पॉलिटिकल पावर की ग्रीड की वजह से ही हुआ था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि वो पूरे इंडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन का यूज करके एक अलग देश बनाकर ये चीज मुमकिन है। लेकिन 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना डाइड। आफ्टर दैट एन अनयूजुअल वैक्यूम वाज क्रिएटेड इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान टुक 26 ईयर टू फॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन उनके आजाद होने के 23 ईयर्स के बाद हुए। आज भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना 10 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाया। 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 1977 में फिर से तीसरी बार मार्शल लॉ को इम्पोस्ट करा जाता है और इस बार मोहम्मद जिया उल हक बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके पावर में आते ही उन्होंने पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाइफस्टाइल से लेके एजुकेशन तक सब में इस्लामिक प्रैक्टिस को पुश करना शुरू करा। 1979 में यूएसएसआर ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के एरिया के अंदर इन्वेशन करना शुरू कर दिया था, जिसे इनडायरेक्टली काउंटर करने के लिए यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक तालिबान और जैश मोहम्मद को बहुत सारे वेपन्स और मॉनिटरी फंड देना शुरू किया, जिसका रीजन यूएसए को रिसोर्सेज का है। इट्स ऑल अबाउट ऑयल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड मेनी मोर। ये सारे के सारे रिसोर्सेज अफगानिस्तान में भर भर कर है, बट अगर यूएसए को ये रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, देन वो कैसे करेंगे? सिंपल, बाय शोइंग द वर्ल्ड दैट दे केयर अबाउट एवरीवन। यहाँ पर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंट्री ले रहा था और अगर ऐसी सिचुएशन में यूएसए सोवियत यूनियन के अंदर अपनी मिलिट्री के साथ अटैक करता है तो सारी दुनिया के सामने यूएसए रशिया के साथ एक वॉर में छिड़ जाएगा, जो कि वो चाहते नहीं थे। तो इसे करने के लिए उन्होंने तालिबान और जैश मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप को फंडिंग और वेपन्स देना शुरू किया और इसके बाद ये ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते गए और इन ग्रुप ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। अब यूएसए की बारी थी, तो दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए यूएसए ने इन टेरर ग्रुप्स के ऊपर हमला करना शुरू किया, बट वो हार गए, जिसके चलते यूएसए अफगानिस्तान को कभी कैप्चर कर ही नहीं पाया। ये कहानी 1951 में शुरू होती है। 1951 से ही यूएसए अच्छा खासा एड पाकिस्तान को देना शुरू करता है, बट ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स और बिट्स में भेजा जाता था कि किसी को पता ही नहीं लगता था कि यूएसए पाकिस्तान को एक्चुअली में एड प्रोवाइड कर रही है। यूएसए से मिले गए वेपन्स और जिया उल हक के इस्लामाइजेशन के चलते पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम टेरर ग्रुप बनने लगे, जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता था, जिसके चलते पाकिस्तान में बहुत सारे रेफ्यूजी आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और दूसरी मुस्लिम कंट्री से भी फंडिंग मिलना शुरू हो गई। 1989 में यूएसएसआर फाइनली अफगानिस्तान को छोड़ता है एंड इन 1990 नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और नवाज शरीफ ने जिया उल हक के इस्लामाइजेशन को और पुश करा, क्योंकि उस टाइम में पाकिस्तान को रेडिकलाइज मुस्लिम एलिमेंट्स का सपोर्ट चाहिए था और पाकिस्तान में शरिया लॉ को भी इम्पोज करा गया। जुलाई 1993 नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करते हैं एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल मिस्टर मोइन कुरैशी को पाकिस्तान का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ही वॉज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बहुत बुरी थी उसे सुधारने के लिए कई सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेना शुरू किया। एस यूएसएसआर चला गया था तो यूएसए ने अफगानिस्तान पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट को रोक दे। एस पाकिस्तान शुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द यूएसए फॉर न्यूक्लियर पावर। यूएसए इंडिया में हुए गए बूम ब्लास्ट को, विच वॉज इन 1993, इसके चलते वो इंडिया को
कन्विंस करता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएसए को सपोर्ट करे ताकि यूएस पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के वॉच लिस्ट के अंदर डाल पाए। और दूसरी तरफ यूएस पाकिस्तान को कहता है कि इंडिया के साथ अपने कश्मीर वाले मसले को रिस्टोर करे, जबकि उनको खुद को भी ये पता था कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट ये चीज एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग एक्शन है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लोग इंडिया के साथ कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई बात करना चाहते ही नहीं थे। और 1997 आते आते पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी, जिसे ठीक करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। सिंध और नॉर्थ वेस्ट में भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे और यहाँ पर मुस्लिम नहीं मुस्लिम को मारना शुरू कर दिया। यर 1998 में पाकिस्तान 5 न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है एंड दे वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन द यूएस फॉर न्यूक्लियर पावर, एंड जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि फंडिंग बंद हो जाती है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि पाकिस्तान के लोगों ने ही उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दे सेड कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है और गवर्नमेंट बॉम्ब बना रही है। और इन द मीन टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर सपोर्ट टू द इस्लामिक ग्रुप्स। इन 1998 नवाज शरीफ मेड परवेज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी, बट अगेन 1999 में परवेज ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरा दिया और यह फोर्थ टाइम था जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ को इम्पोज करा गया। और फिर से इंडिया के साथ फोर्थ टाइम लार्जेस्ट वॉर शुरू हुई, द कारगिल वॉर। आफ्टर लूजिंग द कारगिल वॉर, अलकायदा अटैक द वर्ल्ड सेंटर इन 2001। पाकिस्तान हमेशा से चाहती थी कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी पपेट गवर्नमेंट हो, और इसी वजह से यूएसएसआर के अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद भी दे स्टिल कीप ऑन सपोर्टिंग द तालिबान, एस दे वर थिंकिंग कि वी विल सपोर्ट तालिबान एंड तालिबान विल सपोर्ट अस इन रिटर्न। लेकिन यूएसए को अफगानिस्तान चाहिए था और दे वर नॉट एबल टू रिमूव द तालिबान फ्रॉम अफगानिस्तान। सितंबर 2001 में यूएसए नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री ग्रुप के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, जिसके लिए उनका बेस पाकिस्तान है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गई। बट स्टिल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर की टेरर फंडिंग करनी शुरू कर दी। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि ओसामा बिन लादेन वाज अ हीरो ऑफ द पाकिस्तान। फाइनली 2011 में यूएसए की कमांडो यूनिट एक ऑपरेशन प्लान करती है और पाकिस्तान के अबोटाबाद वाले एरिया के अंदर 9/11 के मास्टरमाइंड मिस्टर ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। 2002 से लेकर 2011 तक यूएसए प्रोवाइडेड $22.1 billion ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, लेकिन 2011 से लेकर 2021 तक ये फंडिंग कम होकर $7.7 billion की हो गई। यूएसए वॉज टेलिंग एवरीवन कि पाकिस्तान इज गेटिंग फंड्स सो दैट दे कुड बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, बट असलियत में यूएसए वॉज फंडिंग द टेरर ग्रुप्स इन पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान बेल आउट पैकेजेस के ऊपर सर्वाइव कर रहा था, और इन सब के बीच एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करा, और वो कंट्री कोई और नहीं बट चाइना थी। 22 मई 2013 चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन शॉर्ट बोले तो CPSC अग्रीमेंट को साइन किया, जिस अग्रीमेंट के चलते चाइना विल सेट अप सेवरल एनर्जी प्रोजेक्ट, सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड मेनी SEZs इन पाकिस्तान, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पाकिस्तान के अंदर सेटअप करेगा, जिसके चलते पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और पीपल विल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट। 2013 से लेकर 2020 तक चाइना ने पाकिस्तान को टोटल $24.7 billion का लोन दिया, बट पाकिस्तान को दिखाए गए सपने कभी सच ही नहीं हुए। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट थे उनके टेंडर चाइनीज कंपनी को दिए गए थे, और जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर्स थे, वो भी चाइना से बुलवाए गए थे, तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हुई। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करा और पाकिस्तान को ओवर बिल भी कर दिया। एक चाइनीज कंपनी ने $2.6 billion में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाई, जो कि इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स कर गई। लोन बर्डन के कारण ईयर 2017 में पाकिस्तान को अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को 40 इयर्स की लीज पर देना पड़ गया, और इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को कश्मीर से रिमूव करती है, जिससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए।
लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करते हैं। इंडिया को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी, इस बैन की वजह से अब पाकिस्तान जो गुड्स आराम से इंडिया से इम्पोर्ट कर पा रहा था, वही सब चीजें उनको बाकी कंट्री से इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी। यह 2020 आता है एंड कोविड आ जाता है और पाकिस्तान की जो सिचुएशन खराब थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एंड मीनवाइल अगस्त 2021 में यूएसए अफगानिस्तान से अपनी सारी के सारी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेती है, जिसके बाद उनके लिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी है। और तालिबान विच वॉज वेरी मच एंग्री विद पाकिस्तान बिकॉज दे सपोर्ट यूएसए, और अब उसी तालिबान को यूएसए वेपन्स देना शुरू करता है और वही तालिबान पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान अब ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही रहे थे कि अचानक ईयर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है और अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू जाते हैं और पाकिस्तान के बचे कुचे रिजर्व भी कम हो जाते हैं। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि इवन आईएमएफ ने भी उन्हें लोन देने से मना कर दिया है। आईएमएफ का 17.3% फंड यूएसए से आता है, सो टेक्निकली यूएसए इनडायरेक्टली आईएमएफ को भी कंट्रोल करती है, एस वो लोग सबसे ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।